नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। भीतर में प्रमोद मुतालिक और जन हिंदुस्तानी बसंत गोड़ा पाटिल यत्नाल और माधवी लता को कार्यक्रम में प्रवेश होने पर प्रतिबंध। प्रभारी मंत्री जुप्पली कृष्ण राव, सांसद सुरेश कुमार शेटकर, विधायक मदन मोहन ने नागरना मिथिला कुआ ओचाराम बांध का दौरा किया। बांग्लादेश से भाग कर भारत आए 10 हिंदू नागरिक त्रिपुरा में गिरफ्तार। दिल्ली कूच में लिए शंभू बॉर्डर से 101 किसानों का जाथा तैयार। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फैशन शो में बिखेरा जलवा, दिल्ली में अष्टलक्ष्मी महोत्सव के दौरान किया रैंप वॉक। आंदोलन 2 के 300 दिन में रविवार को फिर दिल्ली कूच करेंगे किसान, आज हो सकती है सरकार से बातचीत। अब समाचार विस्तार से। आज 8 दिसंबर रविवार शाम 4 बजे बीदर के साई स्कूल मैदान नेहरू स्टेडियम के पास हिंदू जन जागरूकता की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित की गई थी, जहां हिंदू राष्ट्रवाद पर एक विशेष व्याख्यान आयोजित किया गया था। प्रमोद मुतालिक संस्थापक अध्यक्ष श्रीराम सेना, कौजल हिंदुस्तानी सामाजिक कार्यकर्ता बसंत गोड़ा पाटिल यत्नाल, विधायक विजयपुर और माधवी लता हिंदू कार्यकर्ता के सभी व्याख्यान देने आने वाले थे। अध्यक्ष शंकरप्पा पाटिल ने बीदर के पुलिस अधीक्षक को एक याचिका सौंपी, लेकिन रातों रात कानूनी सुव्यवस्था पैदा न हो इसके लिए 7/12/2024 को रात 12 बजे से 9 दिसंबर को सुबह 6 बजे तक इन सभी के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दी गई है। डॉक्टर गिरीश दिलीप बडोले और जिला मजिस्ट्रेट बीदर जिले के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीदर जिले में इनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। इस अवसर पर हिंदू राष्ट्रीय जागरण समिति के पदाधिकारी ईश्वर सिंह ठाकुर, सोमशेखर पाटिल गादगी ने मीडिया से बात कर यह जानकारी दी। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन कपूराज का कवरेज। ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಬೀದರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ 8ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಕಳೆದ 30ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪರವಾನಿಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತಯಾರಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತಯಾರಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು। ಆದರೆ ರಾತ್ರಿ ಏಕಾಏಕಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ ಈಗ ತಾನೇ ಈಶ್ವರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇದು ನಮಗೆ ರದ್ದು ಕಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸ್ಯಾರ ಡಿ ಸಿ ಅವರು। ನಾವು 30ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕೇಸ್ ಏನೀಗ 2 ದಿವಸದಾಗ ಎಲ್ಲೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವತ್ತೇ 1 ತಾರೀಕು 2 ತಾರೀಕು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು। ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಜನಜನದ ದುಡ್ಡು, ನಮ್ದು ಯಾರ್ದು ದುಡ್ಡಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಎಲ್ಲರೂ ದಾನ ಮಾಡಿದ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾರ। ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಮುಂದೆ ಬರೋಂಥ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಸಹಾಯತಾ ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಯುವಕರದ್ದು ಬೀದರ್ ಜನತೆಯವ್ರದ್ದು। ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಈಶ್ವರ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಕೋರ್ಟಿನ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ 2 ಮಾತು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ। ನಮಸ್ಕಾರ, ಸಭೆ ಕರಿಬೇಕಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬೀದರ್ ಕೆಲವರು ಜನ ಪ್ರಮುಖರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸಭೆಗೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿ ದಿನಾಂಕ 8 ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ। ಅದು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಕರೆದಿಂದ ಇರುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ರಾತ್ರಿ 7ನೇ ತಾರೀಕು 8 ಗಂಟೆಗೆ ನೀವೇನೂ ಮಾಡಬೇಡ್ದಂತ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಏನು 2 ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಒಂದು ಪ್ರಮುಖರು ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಜಲ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ, ಮಾಧವಿ ಲತಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಮೋದ ಮುತಾಲಕ್, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಏನೇ ಇರಬೇಕು ಅವರೆಲ್ಲ ಅಪರಾಧಿಗಳಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಪ್ರಕರಣ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು। ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು, ಪುಷ್ಪೇಂದ್ರ ಬಂದಾಗ
अली बैड्री अंतल फ्रेंडल मन पोलिस बंद कर्क निबे सर यह रीतियादार नम्रु सभ्रेषेध इू जिला अब निषेधीत नम कर्म नम कार्यक्रम वाले रीत नड़ीत अंत नमेंगे विघान उंटमंत वो नाक वो 44 इकर हेरी नमें एरमूर लक्ष रूपये खर्च आगे अद्कू तौंदेगार जिला मत यार प्रचोद हिंदर अद्कल नम्बर यार नम कार्यक्रम का तौरे को देवर वेबार वे सदर्भ सुखदा विघ्न को देवर अंत कहते इन जन विचार सामा नागरिक इवरता भी जिला तौंद को इवे ना बेबल को मत रीति मास ना सहकार को नम जन सामान्य जन विचारी नान पत्र मुखातर विनती एलू नमस्कार। बीदर के बैंक कॉलोनी में डॉक्टर बीआर बाबा साहब अंबेडकर का 68वां महापरिनिर्वाण दिवस समस्त ओनिया उपासक उपासकों गणमान्य व्यक्तियों एवं बच्चों तथा भारतीय बौद्ध महासभा जिला शाखा द्वारा अंबेडकर पार्क में मनाया गया। इस अवसर पर डॉक्टर बीआर अंबेडकर विकास निगम के प्रबंध निदेशक प्रेम सागर दांडेकर, नागनाथ लीडोत्कर, भीमन्ना भाविकट्टी, सुभाष सिकेनपुर, जगन्नाथ पड़िगेर, राजप्पा गुन्नल ने समता सैनिक दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। चंद्रकला बड़िगेर, मंजुला भावीदुड्डी, संतोष फुलिया और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुयायियों, बौद्ध उपासकों और उपासकियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के बारे में ढालेपाल आदकर बीदर जिला अध्यक्ष भीम आरवी ने जानकारी दी। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन महेश टीके का कवरेज। केलारडी निर्वाचन क्षेत्र लिंगमपेट मंडल एवकेन नागर रेड्डी पेट मंडल के पोचाराम गांव में सबसे पुराने नागरना मेटला कुएं और गाला पोचाराम परियोजना का जिले के प्रभारी पर्यटन मंत्री जुपल्ली कृष्णाराव, जहीराबाद सांसद सुरेश कुमार शिटकार और केलारडी विधायक मदन मोहन ने दौरा किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पोचाराम परियोजना और नागन्ना मेटला कुएं को पर्यटन केंद्र में बदला जाएगा। मंत्री, सांसद, विधायक और कलेक्टर ने एक साथ नाव से जलाशय के बीच में स्थित गाला द्वीप का दौरा किया। इस कार्यक्रम में अधिकारियों, लोगों और अन्य लोगों ने भाग लिया। जहीराबाद से केपी न्यूज के लिए संवाददाता नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। अब फिलहाल इतना छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482121297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। बांग्लादेश से भाग कर आए 10 हिंदुओं को त्रिपुरा में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसकी जानकारी त्रिपुरा पुलिस सूत्रों ने मीडिया को दी है। सूत्रों के मुताबिक 10 बांग्लादेशी हिंदू भारत में अवैध तरीके से घुस आए हैं क्योंकि उनके गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। 10 बांग्लादेशी नागरिकों में 2 महिलाएं, 3 बच्चे और 1 बुजुर्ग भी शामिल है जिन्हें त्रिपुरा में अम्बासा रेलवे स्टेशन पर सिलचर की ओर जा रही ट्रेन में चढ़ने से पहले गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों ने यह भी बताया कि शुरुआती पूछताछ में उन्होंने दावा किया कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ स्थिति चिंताजनक बनी हुई है और इस वजह से वो किशोरगंज जिले के धनपुर गांव से भागकर भारत आया है। वो त्रिपुरा में घुस आया जिसकी सीमा बांग्लादेश के साथ 856 किलोमीटर लंबी है और वे असम के सिलचर में किराए के मकान में रहने की कोशिश कर रहे थे। महाराष्ट्र के लातूर जिले में 100 से अधिक किसानों ने दावा किया कि वक्फ बोर्ड उनकी उस जमीन हड़पने का प्रयास कर रहा है जिस पर वे कई पीढ़ियों से खेती करते आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह दावा छत्रपति संभाजीनगर स्थित महाराष्ट्र राज्य वक्फ अधिकरण में दायर किया गया है और कुल 300 एकड़ जमीन रखने वाले 103 किसानों को नोटिस जारी किए गए हैं। किसानों में से एक तुकाराम
कनवटे ने बताया, ये जमीनें पीढ़ियों से हमें विरासत में मिली है, ये वक्फ संपत्ति नहीं है। हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार हमें न्याय दे। इस मामले पर अदालत में 2 सुनवाई हो चुकी है और अगली सुनवाई 20 दिसंबर को है। शंभू बॉर्डर पर 300 दिन से प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आज फिर दिल्ली कूच का ऐलान किया है। आज दोपहर 12 बजे किसानों का एक और जाथा दिल्ली कूच की कोशिश करेगा। इस जाथे में 101 किसान होंगे। किसानों के ऐलान को देखते हुए शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। किसानों को बॉर्डर पर ही रोकने की पूरी तैयारी है। सड़क पर कील के पैटर्न वाले बैरियर और ब्रेकर लगाए जा रहे हैं। सीमेंट के गार्डर लगाकर रास्ता रोका गया है। बैरिकेडिंग की गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की नजर है। शंभू बॉर्डर पर हंगामे की आशंका को देखते हुए हरियाणा की तरफ से पंजाब को चिट्ठी लिखकर मीडिया कर्मियों को प्रदर्शन स्थल से 1 किलोमीटर दूर रखने की बात कही गई है। हरियाणा सरकार ने एहतियात के तौर पर अम्बाला जिले के 11 गांवों में 9 दिसंबर तक मोबाइल इंटरनेट और SMS सर्विस सस्पेंड कर दी है। राजद ने इंडिया गठबंधन में किसी भी तरह के विवाद से इनकार किया है। पार्टी के नेताओं ने कहा कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है और कोई विवाद नहीं है। राजद ने स्पष्ट किया कि ममता बनर्जी को एक बड़ी नेता मानते हुए सभी मुद्दों पर मिल बैठकर हल निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के बीच सामंजस्य बनाए रखने के लिए सभी नेता आपसी समझदारी से काम करेंगे। राजद का यह बयान उस समय आया है जब कुछ दिनों पहले इंडिया गठबंधन में मतभेदों की खबरें आई थी। हालांकि राजद ने यह भी बताया कि गठबंधन में किसी भी प्रकार का तनाव नहीं है और पार्टी ममता बनर्जी की नेतृत्व क्षमता का सम्मान करती है। अब फिलहाल लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482121297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। भारत मंडपम में 3 दिवसीय अष्टलक्ष्मी महोत्सव के दौरान शनिवार को एक फैशन शो का आयोजन किया गया। शो के दौरान लोग उस वक्त चौंक उठे जब रैंप पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रैंप वॉक करते नजर आए। फैशन शो के दौरान सिंधिया का अलग अंदाज देखने को मिला। सिंधिया के साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार भी फैशन शो में रैंप वॉक करते दिखे। अष्टलक्ष्मी महोत्सव में पहुंचे लोगों के लिए शनिवार का दिन अचानक से बेहद खास बन गया जब उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को फैशन शो के मंच पर देखा। रैंप वॉक के दौरान सिंधिया उत्तर पूर्वी क्षेत्र का चमचमाता एरी सिल्क का जैकेट पहने नजर आए। साथ ही गले में लाल कलर में मफलर ने उन्हें स्टाइलिश लुक दिया। राजनीति के मंचों से अलग फैशन शो में सिंधिया का अलग अंदाज देखने को मिला। अपनी चीर परिचित मुस्कान के साथ सिंधिया का जलवा रैंप पर भी कायम रहा। उन्होंने किसी प्रोफेशनल मॉडल की तरह रैंप वॉक किया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.9 दर्ज की गई है। भूकंप के झटके के बाद लोग घरों से बाहर निकल आए। हालांकि अभी किसी भी तरह के नुकसान की जानकारी नहीं है। पिथौरागढ़ में जैसे ही लोगों को महसूस हुआ कि धरती हिल रही है, लोग दहशत में घरों से बाहर निकल आए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 3.9 थी। केंद्र सरकार से अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान जमा हुए हैं। किसानों का कहना है कि वह रविवार को फिर से दिल्ली की ओर कूच करेंगे। बड़ी संख्या में किसान पंजाब से दिल्ली की तरफ पड़ रहे हैं। हरियाणा सरकार ने बॉर्डर पर इन्हें रोका हुआ है। कुछ किसान संगठन दिल्ली के गाजीपुर और सिंगू बॉर्डर पर जमा हुए हैं। किसान और केंद्र सरकार के बीच बातचीत का प्रस्ताव है। माना जा रहा है कि किसान संगठनों और सरकार के बीच आज बातचीत हो सकती है। कई किसान नेता केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों से अपनी मांगों को लेकर बात कर सकते हैं। वहीं शंभू बॉर्डर पर किसान नेता सरवन सिंह पंदेर ने कहा, हमारा विरोध प्रदर्शन दिल्ली आंदोलन 2 ने आज अपने 299 दिन पूरे कर लिए हैं। रविवार को इसके 300 दिन पूरे हो जाएंगे।
खनौरी बॉर्डर पर हमारी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल अपने 12वें दिन में प्रवेश कर गई है। केंद्र सरकार किसानों से बात करने के मूड में नहीं है, चाहे एनडीए सरकार हो या भारत सरकार, किसान किसी से भी खुश नहीं है, पंजाब सरकार से भी लोग खुश नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हरियाणा के पंचकुला में टीबी की घटनाओं और मृत्यु दर को कम करने के लिए 100 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया। जेपी नड्डा ने कहा कि देश भर के 347 सबसे अधिक प्रभावित जिलों में टीबी रोगियों का शीघ्र पता लगाने और उनका इलाज करने के प्रयास के साथ यह 100 दिनों का एक केंद्रित अभियान होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि एक समय था जब टीबी को धीमी मौत माना जाता था और यहां तक कि इसके प्रयास को रोकने के लिए टीबी से पीड़ित परिवार के सदस्यों को भी अलग कर दिया जाता था, लेकिन 2018 में माननीय प्रधानमंत्री ने 2030 से बहुत पहले टीबी को समाप्त करने का दृष्टिकोण बनाया। जेपी नड्डा ने कहा कि देश भर में 1.7 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के नेटवर्क की बदौलत आज टीबी का जल्द पता चल जाता है। केंद्र सरकार ने एक नए छोटे और अधिक प्रभावी आहार सहित संवेदनशील टीबी की दवाओं के दैनिक आहार की शुरुआत की, जिससे टीबी उपचार की सफलता दर में 87% तक सुधार हुआ है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में प्रमोद मुतालिक और जन हिंदुस्तानी बसंत गोड़ा पाटिल यत्नाल और माधवी लता को कार्यक्रम में प्रवेश होने पर प्रतिबंध। प्रभारी मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव, सांसद सुरेश कुमार शेटकर, विधायक मदन मोहन ने नागन्ना मिटला कुआ ओचाराम बांध का दौरा किया। बांग्लादेश से भागकर भारत आए 10 हिंदू नागरिक त्रिपुरा में गिरफ्तार। दिल्ली कूच में लिए शंभू बॉर्डर से 101 किसानों का जाथा तैयार। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फैशन शो में बिखेरा जलवा, दिल्ली में अष्टलक्ष्मी महोत्सव के दौरान किया रैंप वॉक। आंदोलन 2 के 300 दिन में रविवार को फिर दिल्ली कूच करेंगे किसान, आज हो सकती है सरकार से बातचीत। ये न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल 24/7। धन्यवाद।